मुकाबले के अंदर। चलिए फिलहाल अब देखते हैं कि क्या होगा। अगली गेंद लेकर तैयार, स्वर की तीसरी गेंद को सीधे बल्ले से खेल दिया है। इस बार कोई रन लेने का मौका नहीं है। अभी भी स्कोर दिल्ली का 39 हो चुका है एक विकेट के नुकसान के बाद। मेरे भाइयों आपको बता दें जहां पर 3.4 ओवर की गेंदबाजी हो गई है। 3.4 ओवर्स 39 for 1 विकेट दिल्ली का स्कोर जो है हो चुका है। अगली गेंद लेकर तैयार अब गेंदबाज चलेंगे और सामना करने के लिए तैयार है इस ओवर की अगली गेंद का। पांचवी गेंद लेकर तैयार रसदीप सिंह चले साई होप के लिए। साई होप जिन्होंने दो गेंदों में अभी तक खाता नहीं खोला है, दो गेंदें खेल चुके हैं साई होप लेकिन अभी तक इनके बल्ले से खाता नहीं खोला है और देखते हैं कि ये खाता फिलहाल कितनी जल्दी आने वाला है। चलिए अब साई होप का खाता देखते हैं कितनी जल्दी खुलेगा। अगली गेंद पांचवी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिलेगा। टीम का स्कोर 39 हो चुका है एक विकेट के नुकसान के बाद 3.5 ओवर्स की समाप्ति। अंतिम गेंद लेकर तैयार हरदीप सिंह चले सामना करेंगे अगली गेंद का। फिलहाल अंतिम गेंद का साई होप। टीम का स्कोर हो चुका है 39 रन एक विकेट के नुकसान के बाद दोस्तों इस मुकाबले के अंदर। अगली गेंद स्वर की फिलहाल अंतिम गेंद लेकर तैयार होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए इस मुकाबले के अंदर। टीम का स्कोर हो चुका है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। अंतिम गेंद लेकर तैयार चले गेंदबाज स्वर की आखिरी गेंद पर सिंगल। सिंगल के साथ ही ओवर की समाप्ति। चार ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 40 रन फिलहाल इस मुकाबले के अंदर दोस्तों इस मैच में एक विकेट के नुकसान के बाद। तो चार ओवर में 40 रन दिल्ली ने बना लिए हैं अभी तक एक विकेट के नुकसान के बाद। दोस्तों आपको बता दें दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर हो चुका है 40 रन एक विकेट के नुकसान के बाद आज के इस मुकाबले के अंदर। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अभी तक फिलहाल देखा जाए तो ठीक शुरुआत करी है लेकिन एक विकेट मिचेल मार्श का टीम ने गवा दिया है। साई होप जो हैं वो दोस्तों यहां पर अब आए हैं जो कि चार गेंदों में अभी तक एक ही रन बनाकर खेल रहे हैं। साई होप का जो बल्ला है वो फिलहाल अभी तक उनका शांत चल रहा है। उतना अच्छा बल्लेबाजी इन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी नहीं कर पाई थी। हमने देखा था बीपीएल में भी उनका इतना अच्छा बैट नहीं चला था साई होप का। लेकिन अब आज देखते हैं कि आज के मुकाबले के अंदर किस तरीके का बल्ला चलता हुआ नजर आने वाला है। अगली गेंद लेकर तैयार चलेंगे इस ओवर की पहली गेंद। बढ़िया गेंद थी, इस बार इस गेंद को खेल दिया और इस बार इस गेंद को खेला है। गेंद जा रही है मिड ऑन के शॉर्ट मिड ऑन के क्षेत्र में, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं था और जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाता है बल्लेबाजों ने आसानी के साथ दोस्तों एक रन पूरा कर लिया है और एक रन के साथ इसको टीम का 40 रन एक विकेट के नुकसान के बाद हो चुका है 4.1 ओवर की गेंदबाजी में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी के साथ ही पांचवा ओवर चल रहा है। कगिसो रवाडा अभी तक फिलहाल देखा जाए इस मुकाबले के अंदर कगिसो रवाडा ने एक ओवर एक गेंद में 7 रन दिया। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, इस बार बड़ा शॉट खेल दिया है वहां पर हवा में लेकिन एक रन मिलेगा। ऊंची गेंद चली गई और ऊंची गेंद जब तक जाती है हवा में एक रन बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया और एक रन के साथ ही दिल्ली पहुंच गई 41 पर एक विकेट के नुकसान के बाद दोस्तों। चलिए इसी के साथ ही स्कोर टीम का 41 हो चुका है। मेरे भाई आपको बता दें इस मैच में एक विकेट नुकसान के बाद 4.2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इसी के साथ ही अगली गेंद लेकर तैयार चले इस ओवर की तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिलेगा। स्कोर टीम का अभी भी 41 रन दिल्ली का। हल्के हाथों से खेला था इस बार, सीधे बल्ले से कोई रन लेने का मौका नहीं है दोस्तों। इसी के साथ ही इस मैच में 4 ओवर 3 गेंदों का खेल हो चुका है। टीम का स्कोर 41 हो चुका है एक विकेट के नुकसान के बाद दोस्तों इस मुकाबले के अंदर। चौथी गेंद लेकर तैयार कगिसो रवाडा, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं ये और बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज हैं। फिलहाल बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं। इसी के साथ ही आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यह देखिए बढ़िया गेंदबाजी करते हैं और विकेट लेते हैं लेकिन आज इनका दिन नहीं है। बड़ा शॉट खेला वहां पर बॉर्नर ने कवर के ऊपर से 4 रन। डेविड बॉर्नर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और डेविड बॉर्नर आज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। बॉर्नर के बल्ले से 4 रन मिलेंगे बॉर्नर को। बॉर्नर पहुंचे 15 पर 10 गेंदों में। दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर उसी के साथ हो चुका है दोस्तों बढ़ता हुआ इस मुकाबले में 45 रन फिलहाल एक विकेट के नुकसान के बाद 4.4 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। 4.4 ओवर की गेंदबाजी में टीम का स्कोर हो चुका है 45 रन फिलहाल इस मुकाबले के अंदर अभी तक एक विकेट के नुकसान के बाद। पांचवी गेंद और इस ओवर की अगली गेंद को बड़ा हिट लगा दिया वहां पर 6 रन के लिए। बॉर्नर के बल्ले से निकलता हो सीधे बल्ले से छक्का। डेविड बॉर्नर भी किसी से कम नहीं है और डेविड बॉर्नर जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं वो जबरदस्त और जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। रोमांचकता बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी के साथ इस मुकाबले के अंदर फिलहाल 4 ओवर 5 गेंदों के बाद टीम का स्कोर हो चुका है दोस्तों, आपको बता दें तो 51 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद इस ओवर में 11 रन आ चुके हैं। एक ओवर में अभी तक इस ओवर के अंदर 11 रन कगिसो रबाड़ा दे चुके हैं, बहुत महंगे साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज चलेंगे इस ओवर की अंतिम गेंद पर, कोई रन नहीं मिलेगा। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 51 हो चुका है। अभी तक 1 विकेट के नुकसान के बाद 5 ओवर का जो खेल है वो अभी तक समाप्त हो चुका है। बॉर्नर आज देखिए अपनी रंग में है। बॉर्नर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका बल्ला मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही तेज़ी के साथ चलने वाला है आज, जिस तरीके की वो बैटिंग कर रहे हैं और जिस तरीके से डेविड बॉर्नर बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी दोस्तों करते हुए नजर आ रहे हैं डेविड बॉर्नर। अभी तक 12 गेंदों में बॉर्नर ने 21 रन की जो पारी खेली है, बहुत लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं यार। तारीफ करूंगा इस खिलाड़ी की, जिस तरीके की आज इस खिलाड़ी ने बल्लेबाजी करके दिखाई है। और दिल्ली के ये बड़े खिलाड़ी हैं, दिल्ली की टीम के लिए इंपॉर्टेंट बल्लेबाज हैं आज के मुकाबले में। इनका बल्ला चलना बहुत जरूरी होगा दिल्ली टीम के लिए, आखिरकार पंजाब और दिल्ली के बीच में ये मुकाबला चल रहा है। अगली गेंद को लेकर तैयार गेंदबाज चलते हुए सामना करेंगे इस ओवर की अब पहली गेंद, वहां पर बरार गेंदबाजी करने आ चुके हैं। बरार की गेंद का सामना करेंगे बल्लेबाज और टीम का स्कोर हो चुका है दोस्तों बढ़ता हुआ 51 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद 5 ओवर की खेल की समाप्ति हो गई है। तो 5 ओवर का जो खेल है मेरे भाइयों वो समाप्त हो गया है। मैं कॉमेंटेटर मोहन यादव आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आज के इस मुकाबले के अंदर। 5 ओवर 1 गेंद के बाद टीम का स्कोर 51 हो चुका है 1 विकेट के नुकसान के बाद, ये 6वां ओवर चल रहा है। बढ़िया बल्लेबाजी और बहुत अच्छा क्रिकेट अभी तक हमें देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज चलेंगे फिलहाल इस ओवर की दूसरी गेंद, बरार की गेंद का सामना कर रहे हैं साई होप जिन्होंने 8 गेंदों में 2 रन की पारी खेली है और दिल्ली कैपिटल्स ने 51 रन बना लिए 1 विकेट के नुकसान के बाद। इस बार इस गेंद को ड्राइव कर दिया था सीधे बल्ले से, लेकिन रन लेने का कोई मौका नहीं था क्योंकि शॉर्ट कवर के क्षेत्र में फील्डर पीछे मौजूद थे और जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा बल्लेबाजों ने आसानी के साथ रन नहीं लिया। जानते हैं कि रन आउट का चांस है इसलिए रन नहीं लिया। और आप लोग हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। अगला गेंद बड़ा शॉट खेलने का प्रयास साई होप का रहा है, लेकिन इस बार गेंद उनको छकाती हुई चली गई। इस बार रन लेने का कोई मौका नहीं है और टीम का स्कोर अभी भी दोस्तों रुका हुआ है 52 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद 5.3 ओवर की समाप्ति के बाद। तो 5 ओवर 3 गेंदों में 52 रन टीम ने बना लिए हैं इस मुकाबले में अभी तक 1 विकेट के नुकसान के बाद, ये 6वां ओवर चल रहा है। तो आखिरकार 6वां ओवर चल रहा है और टीम का स्कोर हो चुका है 52 फिलहाल 1 विकेट के नुकसान के बाद दोस्तों इस मुकाबले में। अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज चलेंगे राइट आर्म ओवर द विकेट इस ओवर की अगली गेंद, जहाँ पर 4थी गेंद पर सीधे बल्ले से खेल दिया है और जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लिया है और 1 रन के साथ ही इसको टीम का हो गया है 52 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जितने भी दोस्त पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं आज के इस बड़े मुकाबले के अंदर। चलिए अब देखते हैं कि क्या होगा अगली गेंद पर। फिलहाल बड़ी आखिरी गेंद लेकर तैयार बरार चलते हुए सामना करेंगे साई होप जिन्होंने 39 गेंदों में अभी तक इस मुकाबले के अंदर 3 रन की पारी खेली है और टीम का स्कोर हो चुका है 53 रन फिलहाल 1 विकेट के नुकसान के बाद इस मैच के अंदर। अगली गेंद अंतिम गेंद हल्के हाथों से कट कर दिया, थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद जा रही है, फील्डर पीछे मौजूद थे, गेंद को फील्ड किया जाएगा जब तक बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लिया है और 1 रन के साथ ही स्कोर टीम का हो चुका है फिलहाल बढ़ता हुआ इस मुकाबले के अंदर दोस्तों। स्कोर टीम का हो गया है बढ़ता हुआ तेजी के साथ 54 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद 6 ओवर की समाप्ति के बाद। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि आज बल्लेबाजी पिच मानी जा रही है, थोड़ा सा पिच स्पिनर के लिए मदद करेगी लेकिन ज़्यादातर बल्लेबाजों को मदद करेगी। एक बड़ा स्कोर इस मैदान पर बनेगा, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि आज एक बड़ा मैदान पर बड़ा स्कोर बनेगा आज के इस मुकाबले के अंदर। और अभी तक जिस तरीके की बल्लेबाजी की मैं बात करूं तो रन जो हैं दोस्तों इस मैदान के अंदर 180 रन प्लस बनेंगे आज के मुकाबले में, 180 से ऊपर का ही स्कोर बनेगा, कम नहीं बनेगा मेरे भाइयों। जी हाँ बिल्कुल, 180 से ऊपर का ही स्कोर बनेगा, कम नहीं बनेगा, आप लोगों को बता दूँ। फिलहाल इस मुकाबले के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सलीन भाई बोला टेस्ट खेल रहे हैं क्या? नहीं यार टेस्ट तो नहीं खेल रहे हैं, मैच ही चल रहा है, लेकिन भाई मुकाबला है, अब जैसा भी होगा वो ही देखते हैं कि क्या होता है, किस तरीके से मुकाबला आगे चलता हुआ फिलहाल देखने को मिलेगा।
अगली गेंद इस ओवर की। फिलहाल पहली गेंद को हल्के हाथों से खेला, सिंगल मिलेगा और सिंगल के साथ ही दिल्ली 55 पर एक हो गई है एक विकेट के नुकसान के बाद। दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस मुकाबले के अंदर अपना जो जलवा है वो देखते हैं कि इस मुकाबले में किस तरीके से दिखाने वाली है। हमारे जितने भी भाई पहली बार जुड़े हैं, मैं अपने सभी दोस्तों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आज के इस बड़े मुकाबले के अंदर। तो आखिरकार बल्लेबाजी फिलहाल ठीक ठाक चल रही है। इस बार अगली गेंद को खेला, हल्के हाथों से गेंद जा रही है कवर के और पॉइंट के बीच में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा, बल्लेबाजों ने आसानी के साथ एक रन पूरा कर लिया है और एक रन के साथ ही टीम का स्कोर हो चुका है 56 रन अभी तक एक विकेट नुकसान के बाद। ये सातवां ओवर चल रहा है। अगली गेंद इस ओवर की, तीसरी गेंद लेकर तैयार राहुल चहर चले और राहुल चहर की गेंद को साई ओप ने स्वीप कर दिया है। जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा, बल्लेबाजों ने एक रन आसानी के साथ पूरा कर लिया है। एक रन के साथ ही स्कोर दिल्ली का हो चुका है। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें 57 रन इस मुकाबले के अंदर देखा जाए एक विकेट के नुकसान के बाद। सातवां ओवर चल रहा है। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर हमें देखने को मिलती हुई दोस्तों अभी तक नजर आ रही है। जो भी भाई पहली बार जुड़े हैं या जो भी दोस्त पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे भाई और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आईपीएल के हर मैच की कमेंट्री आपको मैं लेकर आने वाला हूं, आईपीएल के हर मुकाबले की कमेंट्री आपको हम देने वाले हैं, तो आप लोग देरी ना करें, सभी लोग जुड़ते रहें। पांचवीं गेंद लेकर तैयार गेंदबाज चलेंगे इस ओवर की, राहुल चेयर की पांचवीं गेंद साई होप के लिए। साई होप जो कि 12 गेंदों में अभी तक इस मुकाबले के अंदर साई होप ने 6 रन की जो पारी वो खेली है। और अगली गेंद पर बड़ा शॉट खेला है हवा में, इस बार 6 रन मिलेंगे वहां पर। छक्का आता हुआ दोस्त इसी के साथ इस ओवर में बड़ा शॉट खेला और 6 रन मिलेंगे वहां पर। जी दोस्तों बहुत ही शानदार बल्लेबाजी और इसी शॉट के साथ ही टीम का स्कोर हो चुका है 64 रन फिलहाल देखा जाए इस मुकाबले के अंदर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस मुकाबले के अंदर। स्कोर टीम का हो चुका है 64 रन फिलहाल इस मैच में एक विकेट के नुकसान के बाद। दोस्तों कमाल का मुकाबला और बहुत ही शानदार मुकाबला, बढ़िया बल्लेबाजी साई होप भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साई होप का भी बल्ला अभी तक दोस्तों चलता हुआ दिखाई दे रहा है इस मुकाबले में और सब ताबड़तोड़ बैटिंग अभी तक साई होप करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस मैच में। शुरुआत कर चुके हैं, अब देखते हैं कि शुरुआत में वो किस तरीके से अपनी टीम को आगे लेकर जाने वाले हैं, किस तरीके से इस मुकाबले को आगे लेकर जाने वाले हैं। तो 7 ओवर हो गए हैं और 7 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली ने बनाए हैं 68 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। दिल्ली ने बना लिया 68 रन इस मुकाबले में। रूपेंद्र साहब और कोई वीडियो होने की किसाई होते, समझा नहीं आपकी बात को, आप क्या बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं आपका, मुझे कुछ समझ में नहीं आया मेरे भाई। फिलहाल मैं अपने सभी दोस्तों को बताना चाहता हूं कि 7 ओवर का खेल हुआ है, दिल्ली ने बना लिया 68 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। ये आईपीएल का बड़ा मुकाबला, आईपीएल का बड़ा मैच चल रहा है और आज आईपीएल के इस बड़े मुकाबले में अपने सभी दोस्तों का मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं इस मुकाबले के अंदर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 68 रन बनाए हैं अभी तक इस मुकाबले में और एक विकेट के नुकसान के बाद 7 ओवर की समाप्ति के बाद। तो 7 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 68 रन। अगली गेंद बड़ा शॉट हर्षल पटेल की गेंद पर, बॉर्नर ने जड़ दिया है चौका। ओहो हो बॉर्नर कर रहे हैं कमाल, बॉर्नर अभी तक कर रहे हैं कमाल की बल्लेबाजी और डेविड बॉर्नर इस मुकाबले के अंदर अपने रंग में ढंग में दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी डेविड बॉर्नर की देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। बॉर्नर पहुंच गए हैं 72 के स्कोर को पहुंचा दिया 72 रन और टीम का स्कोर पहुंचा दिया है फिलहाल बॉर्नर ने 72 खुद पहुंचे डेविड बॉर्नर 28 पर। 17 गेंदों का सामना किया है डेविड बॉर्नर ने और टीम का स्कोर हो चुका है 72 for 1 7.1 ओवर्स की समाप्ति के बाद। तो आखिरकार हमारे जितने भी भाई पहली बार जुड़े, मैं अपने सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं और मैं अभिनंदन करता हूं इसी के साथ ही। अगली गेंद अच्छी गेंद थी लेकिन इस बार कवर पर खेली है और इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया, कोई रन लेने का मौका नहीं है। टीम का स्कोर हो चुका है 72 रन एक विकेट के नुकसान के बाद 7.2 ओवर्स की समाप्ति के बाद। दोस्तों इस मुकाबले के अंदर 7.2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, टीम का स्कोर हो चुका है 72 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। दोस्तों अगली गेंद लेकर तैयार फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार है चौथी गेंद का डेविड बॉर्नर की। बॉर्नर ने आज अभी तक 28 रन की पारी खेली 19 गेंदों में और ये 8वां ओवर चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए मेरे भाइयों। आखिरकार मुकाबला बहुत ही शानदार चल रहा है और मुकाबले में आज मजा आने वाला है।
अभी तक तो भाई टीम ने हैदराबाद सनराइजर जहाँ पर दिल्ली की टीम ने पंजाब के सामने बल्लेबाजी बहुत अच्छी की है। पंजाब की टीम के सामने दिल्ली की टीम अभी तक पूरी तरह से चमत्कारी बल्लेबाजी कर रही है। चौथी गेंद ऑफ साइड पर इस गेंद को खेला, गेंद जा रही है बैकपट पॉइंट के क्षेत्र में, जी नहीं क्षमा चाहूंगा एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है बल्लेबाजों ने आसानी के साथ एक रन पूरा कर लिया है, और एक रन के साथ इसको दिल्ली का 73 एक विकेट के नुकसान के बाद हो चुका है दिल्ली का स्कोर 73 रन्स। फिलहाल इस मुकाबले में अभी तक हम बात करेंगे, 8वां ओवर चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जितने भी भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो 7 ओवर 4 गेंदों के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 73 रन एक विकेट के नुकसान के बाद, ये 8वां ओवर चल रहा है। और अभी तक बल्लेबाजी की बात करें तो बल्लेबाजी ठीक ठाक देखने को मिल रही है दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। इस ओवर की 5वीं गेंद अर्शल पटेल चलेंगे अगली गेंद को लेकर तैयार, इस बार इस गेंद को ड्राइव कर दिया है और इस बार इस गेंद को खेला सीधा लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, एक और सिंगल वहां पर चुरा लिया है। सिंगल के साथ ही इसको टीम का पहुंचता हुआ अब 74 हो चुका है एक विकेट के नुकसान के बाद, 8वां ओवर चल रहा है। 7.5 ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर हो चुका है 74 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। मेरे भाइयों बहुत ही उम्दा और एक बहुत ही बढ़िया क्रिकेट अभी तक हमें देखने को मिल रहा है दिल्ली के दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। डेविड वॉर्नर भी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और डेविड वॉर्नर का भी जो बल्ला है दोस्तों वो आज बहुत ही शानदार तरीके से चलता हुआ नजर आ रहा है, कमाल की वो बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर्षल पटेल एक ओवर में 6 रन दे चुके हैं अभी तक। इनकी गेंदबाजी की बात करें तो हर्षद पटेल ने अभी तक अपने एक ओवर में 6 रन दिए हैं जो कि इनकी टीम के लिए अब देखते हैं किस तरीके का जवाब देखने को मिलेगा। फिलहाल आप सभी लोग हमारे साथ जितने भी दोस्त जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। 8 ओवर का खेल हो चुका है और इसी के साथ ही रिव्यू लिया LBW की अपील की जा रही है, वहां पर LBW की अपील की जा रही है और जी नहीं यहाँ पर पटकी हुई गेंद थी, अंपायर यहाँ पर चेक करेंगे, कैच की अपील की जा रही है, क्षमा चाहूंगा। ओ ऐसा लग रहा है ग्लव्स में गेंद टकरा गई है, ऐसा लग रहा है कि डेविड वॉर्नर आउट हो गए हैं। जी बिल्कुल बहुत नजदीकी मामला लग रहा है, अल्ट्रा एज में चेक करना पड़ेगा कि क्या आउट है। इस बार पटकी हुई बाउंसर थी, पुल करने का प्रयास किया था डेविड वॉर्नर ने लेकिन जो गेंद है वो उनके बल्ले से होती हुई निकल गई, छूती हुई निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। एक आसान सा कैच विकेट कीपर ने जरूर पकड़ा है, अब अल्ट्रा एज में पता चलेगा भाई कि आउट है कि नहीं है, अल्ट्रा एज में ही पता चलेगा कि आउट है या नहीं है, ये पता अल्ट्रा एज में ही चलने वाला है। तो देखते हैं अल्ट्रा एज में क्या पता चलने वाला है और क्या यहां पर जो विकेट है वो यहां पर गिरता हुआ नजर आएगा। हमारे साथ जितने भी भाई पहली बार जुड़े हैं मैं अपने सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं अभिनंदन करता हूं। आज के मुकाबले के अंदर 8 ओवर के खेल की समाप्ति हो चुकी है और टीम का स्कोर हो चुका है 74 रन फिलहाल एक विकेट के नुकसान के बाद इस मुकाबले में, जहां पर पंजाब किंग्स की टीम ने टॉस जीतने के बाद आज पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और गेंदबाजी करने का यह फैसला कितना सही साबित होगा ये भाई देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है कि बॉर्नर का विकेट शायद टीम गिरवा सकती है, DRS लिया गया है, रिव्यू लिया गया है और अब अल्ट्रा एज में पता चल रहा है कि हरकत है वहां पर, बल्लेबाज आउट हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों आउट होकर जाना पड़ेगा डेविड वॉर्नर को, पंजाब को मिली बड़ी सफलता और इसी के साथ इस ओवर की अंतिम गेंद पर विकेट आता हुआ हर्षल पटेल को मिल गई है बड़ी सफलता, कैच आउट होकर बल्लेबाज पवेलियन जाते हुए और पहला विकेट गिरा है, दूसरा विकेट गिरा है दिल्ली का और पहला विकेट मिला है हर्षल पटेल को आज के इस मुकाबले के अंदर। बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन बॉल यहां पर पटकी हुई गेंद थी, पूरी तरह से चकमा दे दिया था वहां पर बल्लेबाज के लिए और गेंद सीधी चली गई थी विकेट कीपर के दस्तानों में। इसी के साथ इसको टीम का 74-2 हो चुका है 8 ओवर की समाप्ति और वॉर्नर 21 गेंदों में 29 पर हैं और साई होप 17 पर हैं, 15 गेंदों का सामना कर चुके हैं। तो डेविड वॉर्नर अभी तक हम बात करेंगे, डेविड वॉर्नर ने 21 गेंदों में 29 रन की जो पारी है वो दोस्तों खेल चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस मुकाबले में। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 74 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद स्कोर टीम का हो गया है। अगली गेंद लेकर तैयार चलेंगे गेंदबाज शोर की, फिलहाल सामने करेंगे 9वें ओवर की पहली गेंद का, स्कोर टीम का हो चुका है 74 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद 8 ओवर की समाप्ति के बाद। ऋषभ पंत 0 पर अभी मौजूद हैं और ऋषभ पंत अभी तक फिलहाल देखते हैं कि अपनी टीम को क्या योगदान देने वाले हैं, पंत का बल्ला आज देखते हैं किस तरीके से चलने वाला है। इसी के साथ ही फिलहाल ऋषभ पंत आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए, बैटिंग करने के लिए टीम
दिल्ली की तरफ से। देखते हैं कि आज दिल्ली की तरफ से ऋषभ पंत का जो रोमांचक मैच है, इस मुकाबले में उनका जलवा किस तरीके से देखने को मिलता हुआ मेरे भाइयों नजर आने वाला है। आखिरकार 8 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 8 ओवर की खेल की समाप्ति हो चुकी है। 9वें ओवर की पहली गेंद और 9वें ओवर की पहली गेंद पर ड्राइव कर दिया है वहां पर, एक और सिंगल वहां पर आता हुआ, सिंगल के साथ ही दिल्ली 75 पर फिलहाल 2 विकेट के नुकसान के बाद। तो दिल्ली की टीम ने 75 रन दोस्तों बना लिए इस मुकाबले के अंदर। अभी तक हम बात करें 2 विकेट के नुकसान के बाद, दोस्तों आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। जितने भी भाई पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करिएगा। ये 9वां ओवर चल रहा है और 8 ओवर एक गेंद में दिल्ली ने 75 रन बना लिए हैं 2 विकेट के नुकसान के बाद। ऋषभ पंत 0 पर अभी मौजूद हैं। ऋषभ पंत ने आज अभी तक देखा जाए तो अपनी पारी में कोई रन नहीं बनाया, किसी गेंद का उन्होंने सामना नहीं किया है, तो भाई रन कैसे बनेंगे। सलीन भाई स्वागत है आपका हमारे संग, बहुत सारे दोस्त जुड़ चुके हैं, प्रेम शंकर जुड़े हैं, हसमत खान जुड़ चुके हैं, बहुत सारे दोस्तों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सभी भाइयों का। लाइक वाला बटन दबाते रहिएगा और हमारे साथ आप लोग जुड़ते रहें। इसी के साथ ही दूसरी गेंद बरार की गेंद पर, इस बार इस गेंद को पंत ने खेला हल्के हाथों से, कोई रन लेने का मौका नहीं है और टीम का स्कोर इसी के साथ हो चुका है लाल दोस्तों बढ़ता हुआ 75 रन। दोस्तों आपको बता दें इस मुकाबले के अंदर 2 विकेट के नुकसान के बाद मेरे भाई इस मैच में 8.3 ओवर की समाप्ति के बाद, तो 8.3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 76 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। ये 8 ओवर 2-3 गेंदें हो चुकी हैं, 9वां ओवर चल रहा है। अर्की बरार अपना अगली गेंद को लेकर तैयार होंगे और इस ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे साई होप, जिन्होंने 16 गेंदों में 18 रन की पारी खेली है और टीम का स्कोर 76 हो चुका है 2 विकेट के नुकसान के बाद। 9वें ओवर की चौथी गेंद अर्की बरार चले राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑप्शन के बाहर इस गेंद को खेल दिया, ड्राइव कर दिया, गेंद जा रही है अक्षक ओवर क्षेत्र में, फील्डर पीछे भागते हुए गेंद को फील्ड करेंगे, जब तक बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 2 रन पूरे कर लिए हैं और इन्हीं 2 रनों के साथ ही टीम का स्कोर हो चुका है फिलहाल 77 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद इस मुकाबले के अंदर देखा जाए। फिलहाल बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, मैं अपने सभी भाइयों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं आज के मुकाबले में। सलीन भाई बोल रहे हैं विकेट चाहिए, हाँ यार विकेट तो अभी नहीं गिरा है, लेकिन देखते हैं कितने जल्दी विकेट गिरता है, वो आने वाला समय मेरे भाइयों बताएगा। 8 ओवर 4 गेंदों के बाद 78 2 विकेट पर दिल्ली का स्कोर हो चुका है। दिल्ली कैपिटल आज अपना ये 9वां ओवर में अभी तक 78 रन बना चुकी है 2 विकेट के नुकसान के बाद। तो अटैकिंग बल्लेबाजी और एक जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पर हो रही है दोस्तों, आपको बता दूं इस मुकाबले में अभी तक दिल्ली की टीम लेकिन 2 विकेट गंवा चुकी है। अब डेविड वार्नर के आउट होने से टीम परेशानी में तो आई है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई दोहराई नहीं है दोस्तों, आपको बता दें लगभग मुकाबला पूरी तरह से देखा जाए तो इस मैच में अभी तक हमें देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 9 ओवर का खेल हो गया है और 9 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 79 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। इस मुकाबले के अंदर 9 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। देखिए अभी तक साई होप और ऋषभ पंत के ऊपर जिम्मेदारी जरूर है कि वो अपनी टीम के लिए क्या योगदान देने वाले हैं, किस तरीके का योगदान आज वो देते नजर आएंगे, क्योंकि अभी तक ऋषभ पंत का बल्ला जो है आप समझ सकते हैं कि बहुत दिनों के बाद नजर आया है खेलते हुए। ऋषभ पंत जब एक्सीडेंट हो गया था ना, उससे पहले वो उतना खेल नहीं पा रहे थे, मतलब कि ऋषभ पंत उनका जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद ये आईपीएल में पहली बार खेल रहे हैं और उसके बाद अब देखते हैं कि क्या अपनी टीम को वो जलवा दिखा पाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि शेर जब घायल होता है तो घायल शेर भी बहुत ज़बरदस्त घायल होता हुआ शेर भी काम करता है, तो वही आप देखते हैं क्या होगा, देखते हैं कि किस तरीके से ये घायल शेर आज जलवा दिखाने वाला है। मेरे भाइयों आप सभी लोग एक साथ हमारी वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 9 ओवर की खेल की समाप्ति, दिल्ली का स्कोर है 79 2 विकेट के नुकसान के बाद, जहां दिल्ली कैपिटल्स ने 79 रन बना लिए इसी के साथ ही 2 विकेट के नुकसान के बाद आज के इस मुकाबले के अंदर मेरे भाइयों। और मैं अपने सभी दोस्तों को एक बात बताना चाहता हूं कि आज इस मुकाबले के अंदर, इस मैच के अंदर 9 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर भी 79 हो चुका है दिल्ली का 2 विकेट के नुकसान के बाद। इस मैच में ऋषभ पंत 3 गेंदों में 2 रन बनाकर खेल रहे हैं ऋषभ पंत और टीम का जो स्कोर है वो हो चुका है 79 रन दोस्तों इस मुकाबले के अंदर 3 विकेट के नुकसान के बाद। दोस्तों तो 9 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 79
दो विकेट के नुकसान के बाद दोस्तों आप सभी लोगों को बता दूं 9 ओवर का जो खेल है वो समाप्त हो चुका है। अब यहां पर क्या रणनीति बनाई जाएगी, क्या रणनीति के साथ यहां पर जो टीम है वो उतरने वाली है, क्या रणनीति के साथ दोनों ही खिलाड़ी खेलने वाले हैं। पंत जो है बहुत दिनों के बाद कमबैक कर रहे हैं, फायर इन द हिस्स, बहुत दिनों के बाद ऋषभ पंत का जो कमबैक है मेरे भाइयों वो आज हमें देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। पंत डेफिनेटली आज अपनी टीम के लिए एक बहुत अच्छा योगदान देने वाले हैं और हकीकत में आज पंत का बल्ला चलने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन दिल्ली की टीम को अभी दबदबा जो है दिल्ली की टीम का उतना खास नहीं है। नौ ओवर की समाप्ति इसको टीम का हो चुका है, 79 रन दोस्तों इसी के साथ ही इस मुकाबले के अंदर देखा जाए। फिलहाल दो विकेट के नुकसान के बाद दोस्तों आपको बता दूं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। टीम का स्कोर हो चुका है 79 दो विकेट के नुकसान के बाद 9 ओवर की समाप्ति के बाद। जी हाँ बिल्कुल, 9 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 79 रन दो विकेट के नुकसान के बाद। इसी के साथ ही 10वें ओवर की पहली गेंद पर इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया, कोई रन लेने का मौका नहीं है और टीम का स्कोर हो चुका है 79 रन्स फिलहाल दो विकेट के नुकसान के बाद। दिल्ली का ये 10वां ओवर चल रहा है इस मुकाबले के अंदर। अगली गेंद इस ओवर की साई होप के लिए, कदमों का प्रयोग किया साई होप ने और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेल दिया है गेंद को, 6 रन मिलेंगे और छक्के के साथ ही टीम का स्कोर हो चुका है 85 रन दो विकेट के नुकसान के बाद। इस ओवर की अगली गेंद दूसरी गेंद पर गेंद जा रही है और अगली गेंद पर छक्का नहीं था, समझाऊंगा चौका था, चौके के साथ ही टीम का स्कोर हो चुका है दोस्तों बढ़ता हुआ 83 रन दो विकेट के नुकसान के बाद। 9.3 ओवर्स की समाप्ति हो चुकी है, एक और सिंगल के साथ ही स्कोर दिल्ली का 84 हो गया है। देखिए दिल्ली आज बढ़िया बल्लेबाजी तो कर रहे हैं, बीच बीच में बड़े शॉट भी आ रहे हैं, टीम ने दो विकेट भी गंवा दिए हैं। लेकिन अब देखते हैं कि क्या इस मुकाबले के अंदर होता हुआ नजर आएगा, किस तरीके से जलवा हमें देखने को मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। चलिए अगली गेंद लेकर तैयार हमारे साथ खिलाड़ी भाई, हम हैं सीधे साधे घायल अच्छे खिलाड़ी भाई जुड़ चुके हैं। खिलाड़ी भाई बहुत दिनों के बाद आप जुड़े हैं यार, कल नहीं आए थे आप। खिलाड़ी भाई का स्वागत करते हैं, बोल रहे हैं कि प्रेम भाई स्वागत है आपका, प्रेम शंकर जी। हमारे साथ नचर सिंह जी जुड़ चुके हैं, धन्यवाद मेरे भाई आप सभी लोगों का। मोहन भाई आप भी तो शेर हो मगर घायल नहीं जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका मेरे भाई, आपका बहुत अच्छा शब्द रहा, धन्यवाद आप सभी लोगों का जितने भी भाई हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। आखिरकार कहते हैं ना कि जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात को मैं मानता हूँ मेरे भाई, अपने बात को आपकी बात को बिल्कुल मानता हूँ दोस्त और आपकी बात को मैं समझता हूँ।